इसलिए हम लोग आए यहाँ पर फ्रेश मेथी तोड़ने के लिए। मतलब मेथी काफी फ्रेश हो रही, काफी अच्छी दिख रही है। चोटी आपको दिखाई दे रही ना, वो चोटी है गैर खेत, और उसके थोड़ा सा नीचे आके मेरे ससुराल आता है। यहाँ पर देखो 3 मंजिला इनका घर बन रहा है। एक रिश्ता और बनाते हैं, वो जो बिल्ली है हेमंत के नानी की है और कुत्ता हमारा है, इन दोनों की शादी करा है। कुत्ता भी बता दो बिल्ली के साथ, बिल्ली घूरे कितना आ रही है घंटे से बिल्कुल। रेंगो को नानी ने टीका लगा दिया। मम्मी बाय 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 बाय। और अब जाके पानी पिए। अरे 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 मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के आई थिंक 9:30 बज रहे होंगे, बहुत लेट उठी हूँ मैं यहाँ पर सो के। हेमंत भी अभी अपनी गाड़ी वाड़ी का काम करा कर आया है, और हेमंत के नाना के पास चले गया। रेंगो कहाँ गया, यहाँ से भी गायब हो गया, वो गाँव को चले आएगा। हेमंत ताऊ तबियत कैसी है अब, ताऊ तबियत कैसी है, ठीक है अब? अच्छा वो चले आ रहा है गाँव को। रेंगो वापिस आ, वापिस आ बेटा, वापिस आए पिट्टी करूंगी बता रही हूँ। बड़ा गाँव में मिलेगा भी नहीं वापिस दोबारा, तू वापिस आओ। ये भाग जा रहा है पता है, गांव के लोगों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, जो इसको दिख रहा है उसके पीछे भाग जा रहा है। हाथ ही नहीं आ रहा है, देखो हिम्मत चले गया गाँव को, चले गया वो। कितनी बारी में लेकर आ चुकी, परेशान होगी बुलाना कर। तो मम्मी तो बना रही है अंदर नाश्ता, पराठे बन रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, जैसे ही हम सोकर से देखा भाई इतनी बढ़िया धूप आई हुई थी, और रेंगो मस्त था धूप में, कंबल ढक के इतना कांप रहा था, ऐसे पता नहीं कितनी बर्फ गिर गई हो यहाँ पे। हेमंत कैसा लग रहा है गांव में आखिरी दिन? रेंगो की वजह से वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर करना पड़ रहा है मेरे को, उसने गाड़ी का जो गंद कर रखा है ना, उसके बाल ही बाल हर जगह उसके बाल। दिमाग के तेज, उसको पता कि वहां से वापस भी आना, वो आ भी गया अपने आप वापस। अरे एक्चुअली क्या है ना, वैसे तो कहीं भी घूमे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत चलती नॉन स्टॉप, तो बसें और ट्रकें चल रही है। ये एकदम से नीचे उनके ना सड़क में चल रहा था, डर लग रही, बाकी तो कुछ भी करता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो दोस्तों रेंगो की नजरें किधर है, वो सामने उधर एक बिल्ली बैठी हुई है, कब से उसको घूरे जा रहा है रेंगो। बिल्ली भी कमजोर है ना, वो घूर रही है उसको। हाँ वो भी घूर रही है उसकी, हाँ दिखा रहा हूँ, उसकी नजरें भी इधर ही है, वो जैसे देख रही है, हमें देख रहा है। रेंगो तेरे को उधर जाना है, मैंने कहा अगर तू यहाँ चाहो तो घूम से कुछ छोड़ देती हूँ। हमने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी ना, सही सॉरी गेट लगा दिए, जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, जाना है रेंगो, हमने अलग गेट बंद कर दिया, नहीं तो इतना उछल कूद कर रहा है, कभी रोड पे चले आ रहा है कभी कहीं। उसको मुझे ही पता है, वो वहाँ खेतों में से लोगों के वहाँ से भाग जा रहा है, किसी के मुझे भाग जा रहा है, हमारे गांव का और बगल के गांव का बस चल दे रहा है। अभी शाम तो होता है थोड़ा सा, बस उसको देख रहा है, घूर आ रहा है, घूर आ रहा है। रेंगो जाना है तेरे को, तेरी फ्रेंडशिप करा दूं बिल्ली से, फ्रेंडशिप करा दूं, बस मेरे को इसी चीज का डर है, नहीं तो मैं लेके चले जाता, क्योंकि एक पंजा मारा ना अगर आँख पे तो उसकी तो वो देख दी कौन सा शख्स आ गया यहाँ लंबे कानों वाला। हाँ, वो अभी भी देखो कैसे घूर रही है, कितने गंदे तरीके से घूर रही है। नहीं क्या पता उस बिल्ली को ये रेंगो अच्छा लग गया, हो सकता है गर्लफ्रेंड। म्याओ म्याओ ये भौं भौं उधर से म्याओ म्याओ। ये रिश्ता पहले था हेमंत की मम्मी का यहाँ से, हेमंत के नैनिहाल से, फिर ये रिश्ता मेरा हुआ हेमंत के नैनिहाल से, मेरा ससुराल। ये रिश्ता और बनाते हैं, वो जो बिल्ली है हेमंत के नानी की है और कुत्ता हमारा है, इन दोनों की शादी करा है, तो एक रिश्ता और बन जाएगा नैनिहाल से। ताई जी की लड़की है हमारा लड़का, क्या कुत्ता जो होता है बिल्ली के साथ, तो बिल्ली घूरे कितना आ रही है घंटे से, बिल्कुल ना हिल रही ना डुल रही, घूरे आ रही घूरे आ रही, वो तो मस्त खा पी के निकल ले, वो अभी भी घूरने में लगी। कम से कम 15-20 मिनट हो गए, हमने चाय पी ली, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, और बिल्ली अभी भी उसे कंटिन्यूअसली घूरे जा रही है। और शादी के चक्कर में थोड़ा वो तो दुश्मन समझ के बैठा है, लड़का है वो, अभी लड़की है तो मतलब शादी करा देते, एक बार लेकर आना देखते हैं लड़का क्या लड़की, मुझे वो कहा लड़ाई हो जाएगी, कर रहा हूँ नाखून दिखा रहा हूँ, चाची आई चाची को बताती होगी, रिश्तेदारी और बढ़ा रहे हैं हम, हमारा कुत्ता है और काफंडे वाले की वो बिल्ली बैठ की है, कुत्ते को घूर जा रही, वो ब्याह करा दी हूँ, ये रिश्तेदारी और हो जाएगी, दो चल रही है, एक और रहेगी, तीन हो जाएगी। अरे रिश्तेदारी अगल बगल भी घुमा देखो चाची, इतनी सारी मेथी हो रही मम्मी की, लेकिन मेथी के साथ साथ झाड़ बहुत ज्यादा हो रहा था मम्मी अभी है, तो थोड़ा तो गोड़ते खा दे ना आप खाते। मम्मी ये भी रख दो, ये पत्ते अच्छे, वो क्या होता है ये सरसों के पत्ते,
ये खा सकते हैं ना इसको, है ना? हाँ तो इसको भी कर देना फिर थोड़ा सा। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे से कितने अच्छे हो रही है, बिल्कुल कोमल कोमल सी मेथी हो रही है। हेमंत को इतनी अच्छी लगती है मेथी की सब्जी, बस कुछ हो ना हो, अभी भी बहुत सारी ओरी हो जाती है, थोड़ा सा रख दो बस। एक दिन के लिए हम आएंगे, कोई नहीं एक दिन के लिए भी होगा तो। तो मम्मी कह रही कि दिन में बनाती हूँ, अच्छा बंदर के लिए। मैं मम्मी कह रही कि एक दिन के, अभी दिन में कढ़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, आलू मेथी की सब्जी बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग आए यहाँ पर फ्रेश मेथी तोड़ने के लिए। मतलब मेथी काफ़ी फ्रेश हो रही, काफ़ी अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर जो पेड़ वेड़ थे मम्मी ने सारे काट दिए, देखो आम के भी काट दिए, अमरूद के भी काट दिए, कुछ नहीं है, सब साफ हो चुका है सामने। और वो चोटी आपको दिखाई दे रही ना, वो चोटी है गैर खेत, और उसके थोड़ा सा नीचे आके मेरा ससुराल आता है, उस चोटी के पीछे मेरा ससुराल है और यहाँ मायका है। तो ये थोड़ा मार्केट एरिया हो गया, वो थोड़ा जंगल एरिया होगा, तो इतना फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है। इधर भी बहुत सारे घर बनने लगे, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे घर के सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो ब्लॉक हो गया अभी। यहाँ पर देखो 3 मंजिला इनका घर बन रहा है। तो इस घर की वजह से जो पीछे अम्मा लोग थी, जहाँ हम बार बार बातें किया करते थे ब्लॉक में, आपने देखा होगा, तो वो घर का जो पूरा व्यू ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे घर है जो इस लाइन में बनने लग गए हैं। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी दिल्ली की तरह गलियाँ बन जाएंगी। यहाँ मम्मी मेथी तोड़ रही है, और वो देखो ऊपर कौन आए पधार गए। सुबह सुबह हुई नहीं, और बस इनका यही काम हुआ, सुबह हुई नहीं बस पधार जाओ। मम्मी कह रही है कि यहाँ जितनी मेथी, बताओ बंदर मेथी भी खा ले रहा है, और तो छोड़ो पूरा जो मेथी है यहाँ सब, ये सब खा चुके हैं। देखो इस तरह से अभी इतनी मेथी हम जो है तोड़ के लाए हैं, अभी मेथी की बनेगी मस्त सब्जी आज दिन में, और फिर हम खाएंगे घर में बैठ के ऊपर आके। अच्छा चलो गाइस, मैं रेंगो को अपनी नानी के घर लेके जा रहा हूँ, अभी तक वहाँ नहीं गया बस एक ही, तो सोचा है वहाँ भी से घुमा लाता हूँ। आजा रेंगो, अब बाबू आजा, आजा नानी के घर, इधर नहीं ऊपर ऊपर ऊपर, अबे गधे आजा इधर, रेंगो ऊपर आना है, आजा हाँ आजा। रेंगो को नानी का घर घुमाने के लिए ले आया, आजा रेंगो कांगे, फिर नीचे रह गया, आजा अब बाबू हाँ आ हे भगवान कैसा गधा है ये, इधर आना इधर, बोले ये चारों एक बार आवाज लगा, आवाज लगा फिर नीचे भाग गया। इसको अब दूसरे रास्ते से लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे इनका गौशाला है, तो वहां पे भैंस बैठी हुई थी, और भैंस को देख के ये गधा डर रहा है, इसको डर लग रहा है वहां से। आजा अबे इधर नहीं है भैंस, इधर से आजा, आजा इधर भैंस नहीं, आजा चल आजा, चलो सीधा चलो, हाँ वेरी गुड, बेवकूफ कहीं का इतना डरता है। रेंगो मेरे मकोट आजा, मेरे मकोट, ये मेरा मकोट है, ये भी घर है, अपना ही घर है ये भी। रेंगो अरे फिर भाग गया, क्या हो गया, क्या हो गया इसे, गुस्सा हो रखा है क्या। रेंगो जी ने तो मेरा उपवास रखा हुआ है, आज बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा, तो रेंगो तो खाना नहीं खा रहा, पता नहीं कौन एक बिल्ली आ गई है यहाँ पर, वो खाना खाने में लगी हुई, इसका दूध और चावल लगा होता है, सो मस्त खा रही है। सुबह का खाना उसका, सुबह का जो खा रहा था वो बंदर खा गया, और दिन का खाना बिल्ली खा रही है। देखो कितनी प्यारी सी है, कितनी क्यूट सी है, कुली बाबा खा ले, खा बेटा, अच्छा बच्चा है ना तू, खा ले खा ले। अभी हेमंत यहाँ सो रहे हैं, हेमंत सो रहा है, मम्मी यहाँ काम पे लगी हुई है अपना, खाना ना हम लोगों ने खा लिया, मम्मी यहाँ पर कपड़े वपड़े सुखा रही है, मैंने भी अभी आके नहाया, पूरा दिन चले गया आज आके नहाया मैंने ज़्यादा टाइम, क्योंकि रेंगो सारे कपड़े ख़राब कर देता है, खैर ख़राब तो उसने भी करना है, बट ठीक है फिर भी, मतलब इतना गंदा नहीं करेगा, क्योंकि सारे मिट्टी से आ रहा है, तो सारे मेरे पर लग रहे हैं सारे पैर हाथ। और रेंगो जी कहाँ सो रहा है आपको दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड, ये वाला जो कमरा है ना यहाँ पर मस्त, अब थक गया सुबह से घूमते 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 पूरा गांव, मम्मी ने कंबल के अंदर ठकाया हुआ है, ये देखो यहाँ आके सो के, अरे सो जा सो जा सो बैठो सो जा, निन्नू करो निन्नू करो, सो जा सो जाओ, सब सो गए हैं, खिला दो मम्मी, खान दो उसको, खाने दो खाने दो, जाओ खाओ जाओ जाओ जाओ। रेंगो को नानी ने टीका लगा दिया, देखो रेंगो कितना सुंदर लग रहा है, रंगी बाबा अरे बाबा तो सुंदर लग रहा, टीका लगा के दिखा देंगे रंगे, मुझे तो पूरा सर भर दिया उसको लाल लाल करके। यहाँ पर हेमंत की नानी भी आ गई हमको बाय बाय करने के लिए, हम लोग तैयार हो गए यहाँ पर, रेडी हो गए, और अब बस जाने की तैयारी हो रखी है। चलो जी हम तो चले दिल्ली को, चलो ताई जी नमस्कार, ताई जी नमस्कार, ठीक है अम्मा नमस्कार।
चलो 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 ठीक है ओके मम्मी नमस्कार चलो ठीक है चलो बाय बाय जाओ तुम जाओ ताई जी बैठी ऊपर देख रही हूँ जाओ 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 चलो चलो ताऊ जी नमस्कार जानू हाँ जानू जानू है ना बाई रेंगो नानी बाई करी नानी बाई करी रेंगी बाई बाई कर दी चलो ठीक है चलो ठीक है मम्मी बाय 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 जाओ जाओ आराम से जाओ ऊपर ये लो जी चल दिए हम दिल्ली की सवारी दिल्ली को रेंगो जी अपने बिस्तर में आके बैठ गया है पीछे इसको पूरा लग रहा है हाथ ही नहीं आ रहा नीचे लेके आया गाड़ी में मैं गई यहाँ से भाग गया वहां से भाग गया बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ पकड़ के गाड़ी में बैठा है इसको पता चला कि दिल्ली को वापस ले आ रहे हो तो इसी ने बिल्कुल दौड़ लगा दी इसे खेतों की तरफ को इसका वापस जाने का मूड नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मूड नहीं इसका अभी देखो ऐसे खुले खेत मिले हुए घूमने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ इसने इतना परेशान किया ना बहुत परेशान किया यहाँ पे एक नया दोस्त मिल गया देखो वो बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है ये अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है दोनों मिल गए यहाँ पर शैतानी कर रहे देखो देख रोना चालू कर दिया इसको मैंने अभी तो बिस्किट भी दिए इसको और खाना खाना है यहीं पर रख दो यहीं पर खा लेते हैं अभी हम लोगों ने चाय मंगा दी है हम लोग पहुंचे हैं अभी अपनी फेवरेट जगह सोराल पे जहाँ पर हम इसे चाय पीते हैं तो दो कप चाय मंगा रखी है क्योंकि अभी रास्ता बहुत दूर है आगे तक जाना है दिल्ली तो हम लोग मुझे लगता है 12 बजे तक पहुंचेंगे अच्छी बनी है बहुत बढ़िया उसको दो चार बिस्किट और दे दूं डॉगी को भूख लग रही है उसको हाँ ये तो खाता नहीं कुछ भी बस इसको बस कुत्ते चाहिए होते हैं और घूमना चाहिए होता है और कुछ भी नहीं हाँ हाँ देख रहे हैं मैं देख रही हूँ इतना प्यारा सा है ना वो देखो कितना प्यारा सा है गोलू मोलू सा रहेंगे आपका फ्रेंड आ गया इतनी दिक्कत है ट्रैवल करना रेंगो पी ले भाई पी लिया, इसने पानी कुछ नहीं खा रखा और अब जाके पानी पिए अरे अरे अभी मरता अभी मरता ये ऐसे ऐसे मत छोड़ यार नहीं नहीं लगी नहीं बच गया थोड़ी स्पीड में और होता है कुचल जाता है पागल कुत्ते है यार सच में इतने दूर खड़ा क्या गाड़ी के पीछे जा रहा है इसको रखो अंदर रखो इसको पोछो कर रेंगो के चक्कर में हमें कहाँ बैठना पड़ा कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है बताओ अंदर एसी सीटिंग छोड़ के उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप डॉग को लेके बैठ सकते हो हेमंत पूछने के लिए गया था खुले में बैठे हुए हम ये खुला एरिया है पूरा तो यहाँ पर उन्होंने अलाउ किया आपको यहाँ पर भी हम कोने में आके बैठ गए मैंने कहा किसी को प्रॉब्लम ना हो गई डॉग से क्योंकि बच्चे वगैरह बहुत है ना यहाँ पे और ये नीचे बैठ भी खड़े भी नहीं हो रहे फिर हेमंत ने कहा मैं गोदी में लेके बैठता हूँ इतना मुश्किल हो रहा है मतलब सच में पेट्स के साथ तो ट्रैवल करना भाई सबसे सरदर्द है या तो दो लोग किसी से पकड़ने के लिए चाहिए या अगर घर में छोड़ के आओ ऐसे अगर अकेले आना है तो फिर तो भैया यही होगा जैसे हेमंत बैठा हुआ है रात के 2 बजे गाइस हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं आते आते आज पता नहीं क्या हुआ इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा एक तो इसकी वजह से टाइम लगा ये बहुत परेशान करता है रास्ते में बीच बीच में इसके चक्कर में हम रुक रहे थे और ऊपर से जब घर आया तो फिर हमारा पार्किंग का दिक्कत हो गया पार्किंग की चाबी ही नहीं मिली इस चक्कर में बहुत देर तक नीचे ही खड़े रहे अभी आप देखो सारा सामान आधा यहाँ कुछ नीचे भी नीचे ही छोड़ा हुआ है सब ऐसे ही पड़ा हुआ है अब कल को रखूँगी क्योंकि रात हो रही है सब लोगों की नींद भी ख़राब हो रही है नीचे लोग ऑलरेडी सब लोग उठ गए थे किराएदार हमारे जो हैं तो फिलहाल आज का जो व्लॉग है वो एंड करते हैं मेरे को आ रही बहुत तेज़ नींद अब सीधे जाऊँगी और सीधे आके सो जाऊँगी मैं बाकी सारा काम अब कल को देखा जाएगा अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं मेरी व्लॉगिंग करने की है कुछ भी करने की बल्कि 2 से भी ज़्यादा 3 बजने वाले होंगे करीब
अभी तो गाइस आज का व्लॉग खत्म करते हैं, कल खुद नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।